तो दिल्ली एनसीआर के महतावनपुरन पानीपत रेलवे स्टेशन जंक्शन पर पूरी तरह से वीरानी छाई। इस स्टेशन से रोज़ाना करीब 200 ट्रेनें गुजरती हैं और 30,000 यात्री रोज़ाना सफ़र करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू की अपील का साफ असर दिख रहा है। एनसीआर का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है पानीपत जंक्शन। ये पानीपत जंक्शन पर मैं खड़ा हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर एक है, जिसको हम प्लेटफॉर्म नंबर एक को वीआईपी भी मानते हैं, क्योंकि लंबी दूरी की और अच्छी गाड़ियां, जो प्रीमियम गाड़ियां, वो इस प्लेटफॉर्म एक से गुजरती है। पानीपत रेलवे स्टेशन पर आप मेरे पीछे नजर देखिए, ट्रैक से लेकर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता। और पानीपत रेलवे स्टेशन के बारे में जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं, करीब यहां से 200 गाड़ियां रोज गुजरती है दिल्ली के लिए जाने वाली, और दिल्ली से चलकर दूसरे प्रदेशों को जाने वाली गुड्स ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर्स ट्रेन, शताब्दी, तमाम तरह की गाड़ियां हर 5 मिनट में यहां से गाड़ी गुजरती है। लेकिन आप देखिए, इस बंद को रेलवे ने पहले हालांकि ऐलान कर दिया था कि कोई गाड़ी ट्रेन नहीं चलेगी, लोग इन्फॉर्म थे इसलिए स्टेशनों पर नहीं आए, और जो कैटरिंग स्टाफ होता है, जो सपोर्टिव स्टाफ होता है, पूरी तरह से स्टेशन पर वीरानी छाई हुई है। 2-3 लोग हैं जो स्टाफ के लोग हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं। आपका कहना है कि स्टेशन पे देख रेख के लिए कोई उस तरह के असामाजिक तत्व ना आए। कितनी ट्रेनें गुजरी हैं स्टेशन से? यहाँ से 3-4 ट्रेनें अभी गुजरी हैं, जो कल रात 12 बजे से पहले चली हुई थी वो गुजरी हैं, बाकी सब खाली जा रही हैं सभी ट्रेनें। सभी सरकार के सहयोग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, हम भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं अपने जो देख रेख के लिए, कोई सामाजिक तत्व वैसे ना घूमे। आप भी रेलवे स्टाफ है, स्टेशन पे जो बंद था, ऐलान किया था डिपार्टमेंट ने ट्रेनें नहीं चलेंगी, प्रधानमंत्री जी की अपील आह्वान था, कितना इस बंद को कितना प्रतिशत सफल माने? सर, यहाँ पानीपत रेलवे स्टेशन पे लगभग 100% सफल है, और यहाँ पर सुबह से 2-3 गाड़ियां गुजरी हैं जो कि खाली अवस्था में थी, और कोई स्टेशन सब पूरा खाली पड़ा है और कोई पैसेंजर नहीं है स्टेशन पे, और ना ही कोई गाड़ियां चल रही हैं। जो गाड़ी कल रात 12 बजे से पहले अपने स्टेशन से चली थी, प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेशन से, वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रही हैं और गाड़ियां खाली आ रही हैं, और इस जनता कर्फ्यू को पानीपत रेलवे स्टेशन ने पूरा समर्थन दिया है। हम ये बात करें, जैसे ये बंद 12 बजे तक रात को ट्रेनें बंद रहेंगी, जिन लोगों ने सफर पे जाना है, जो ये इंतजार करें कि आज ट्रेनें नहीं चलेंगी, ये ट्रेनें अब कब चलेंगी, ताकि उन लोगों को सूचना मिल जाए, वो कहीं जाना चाहे तो उनको पता हो कि ट्रेनें अब चल गई हैं। सर, आज तो ट्रेन नहीं चल रही हैं, बाकी इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें जो न्यूज में पता चला था वो आज 9 बजे तक, रात 9 बजे तक गाड़ियां बंद थी, उसके बाद गाड़ियां चल सकती हैं। 9 बजे तक फैसला होना है, गाड़ी चल सकती है। लिहाजा दिल्ली एनसीआर का इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन पानीपत, जहां से करीब 30,000 यात्री इस स्टेशन से रोज दिल्ली की तरफ आते जाते हैं, और उसके अलावा जो गाड़ियां बाहर से निकलती हैं वो भी मिला दे तो हजारों की संख्या में, और करीब 20 लाख रुपए का रेवेन्यू ये स्टेशन हर रोज कमाता है। तो उस स्टेशन पर वीरानी छाई हुई है, मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की अपील और आह्वान जो है उसको लोगों ने समर्थन दिया है, क्योंकि ये देश हित का मामला था। हम खुद बचे रहेंगे तो दूसरे बचे रहेंगे, सब बचे रहेंगे तो ये देश बचा रहेगा। सहयोगी एस एन सैनी के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।